हे गाइस, वेलकम टू रितिका डी कोर्स। आज मैं आपके साथ मसाला बैंगन की एक स्पेशल रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स से बनकर तैयार होती है और खाने में काफ़ी टेस्टी होती है, लाजवाब होती है। आप जिसे भी ये खिलाएंगे वो आपकी तारीफ ज़रूर करेगा। तो बिना स्किप किए पूरा वीडियो को देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके लिए मैंने सबसे पहले छोटे बैंगन लिए हैं, इसकी डंठल हमें नहीं काटनी है। और जिस तरीके से मैं बैंगन में कट लगा रही हूँ, आप भी उसी तरीके से बैंगन में कट लगा लें। सारे बैंगन में हमने इसी तरीके से कट लगाने हैं। इसके बाद हम पैन में एक चम्मच एक टेबल स्पून तेल ऐड करेंगे। मैं मस्टर्ड ऑयल ऐड कर रही हूँ। अगर आप इसे रिफाइन या कोई भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऑयल यूज़ करना चाहते हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं, पर मस्टर्ड तेल का जो फ्लेवर है वो काफ़ी अच्छा आता है, इसलिए मैं मस्टर्ड ऑयल का यूज़ कर रही हूँ। इसे हम अच्छे से सॉटे कर लेंगे। इसे हमने तब तक फ्राई करना है जब तक कि ये आधा से ज़्यादा पक ना जाए। इसके बाद हम इसे हल्का सा नमक ऐड करेंगे, जो कि इसे पकने में हेल्प करेगी। इसके बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, सॉटे कर लेंगे और इसे ढककर 2 से 3 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम पर छोड़ देंगे, ताकि सिर्फ बाहर से ही गोल्डन नहीं हो, अंदर से भी थोड़ा थोड़ा पक जाए, आधा से ज़्यादा पक जाए। इसके बाद देखिए, मैंने लीड हटाकर फिर से इसे सॉटे कर लिया है। इसके बाद हम फिर से इसे लीड से कवर कर देंगे और इसे 1 से 2 मिनट तक फिर से हम पकाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें। अपने सुझाव कमेंट्स में हमें ज़रूर दें। आपको कौन सी नई रेसिपी देखनी है उसका भी सुझाव हमें कमेंट में ज़रूर दें। और देखिए, हमारे बैंगन अब हो चुके हैं। इसे मैंने कढ़ाई से निकाल लिया, पैन से निकाल लिया। इसके बाद हम इसमें 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल ऐड करने के बाद हम इसे थोड़ा सा गर्म होने देंगे। इसके बाद हम इसमें 1/2 टीस्पून साबुत जीरा और 1/2 टीस्पून हम इसमें अजवाइन ऐड करेंगे और 2 हरी मिर्च मैंने इसे टुकड़ों में काट कर ऐड की है। इसके बाद हम इसमें 4 से 5 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, क्योंकि इसमें हम कोई भी प्याज का यूज़ नहीं कर रहे हैं। हमारा जो मसाला बनेगा, ग्रेवी बनेगी, वो सिर्फ लहसुन अदरक के पेस्ट से ही बनेगी और बाकी जो हम मसाले ऐड करते हैं उससे बनेगी। तो इसमें मैंने 1 चम्मच भर के धनिया पाउडर ऐड किया है, 1/2 चिली पाउडर ऐड करेंगे, 1/2 चम्मच ही हम इसमें हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, 1/2 चम्मच हम इसमें जीरा पाउडर ऐड करेंगे और स्वाद अनुसार हम इसमें नमक ऐड कर लेंगे। और इसके बाद हम इसे अच्छे से सॉटे करेंगे। इसे हमें लगभग 1 मिनट तक और सॉटे करना है। इसके बाद हम इसमें 1/4 टीस्पून हम इसमें ब्लैक पेपर पाउडर यानी गोल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। और इसके बाद हम इसमें 2 टमाटर की प्यूरी जो हमने पहले से बना कर रखी है उसे हम इसमें ऐड कर लेंगे। और इसके बाद हम इसे सॉटे कर लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसके बाद हम इसे लीड से ढककर 3 से 4 मिनट तक अच्छे से पकने के लिए छोड़ देंगे। 3 से 4 मिनट हो चुकी है। इसके बाद हम लीड हटाकर इसे चेक कर लेंगे। इसकी जो खुशबू आ रही है वो काफ़ी अच्छी आ रही है और ये आप कलर देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आ रहा है मसाले का। इसे हम अभी 1 से 2 मिनट तक और सॉटे करेंगे, अच्छे से भुनेंगे ताकि जो इसका स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है वो चला जाए। इसके बाद हम इसमें बैंगन ऐड करेंगे जो हमने फ्राई करके रखी थी। बैंगन ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मिला लेंगे, बैंगन में पूरे अच्छे से मसाले को मिला लेंगे और इसे 1 मिनट तक सॉटे करेंगे। इसके बाद हम इसमें 1/2 चम्मच कसूरी मेथी पाउडर ऐड करेंगे, 1/2 चम्मच हम इसमें आमचूर पाउडर ऐड करेंगे। और इसके बाद इसे अच्छे से सॉटे करने के बाद इसमें हम 1 कप के लगभग पानी ऐड करेंगे। अगर आपको पानी कम लग रही है तो आप और भी पानी ऐड कर सकते हैं, मैं भी और पानी ऐड कर रही हूँ। और इसके बाद हम इसे ढककर 2 से 3 मिनट तक पकने के लिए छोड़ देंगे। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। मैं एक बार लीड हटाकर इसे चेक कर लूँगी अच्छे से और इसे पलट पलट दूँगी। इसके बाद हम इसे फिर से ढककर 3 से 4 मिनट तक के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए, हमारी ग्रेवी जो पतली थी वो भी थोड़ी गाढ़ी हो चुकी है, थोड़ी क्या अच्छी गाढ़ी हो चुकी है। ये देखिए, हमारे बैंगन भी अच्छे से एकदम गल चुके हैं, पक चुके हैं। मैं आपको चम्मच से इसे तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए, बढ़िया लग रहा है ना, बिल्कुल लाजवाब। और ये खाने में बहुत टेस्टी होती है, बच्चों को भी काफ़ी पसंद आएगी, आपके पति को, आपके फैमिली मेम्बर्स को भी काफ़ी अच्छी लगेगी। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और हमें अपने सुझाव कमेंट में ज़रूर भेजें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और
चैनल को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।